अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैर से। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें, आमीन सुम आमीन। सो आज का हमारा व्लॉग काय का, मैं आप लोग को बता दूं, आज का हमारा व्लॉग है मेरी नॉर्मल रूटीन का है, जो मेरी नॉर्मल रूटीन थी। हाँ, स्पेशली है आज का हम लोग का, लाइक है कि सैटरडे नाइट फ्राइडे नाइट को हम लोग ने वीकेंड कैसा बनाए, और मैं रात से मेरा व्लॉग शुरू होगा, और मैं आज के व्लॉग में आप लोग से शेयर करूंगी एमन की लाइक बॉर्न हुई थी जब से लेके अभी तक की सब पिक्चर्स, एमन की पूरी लाइक, एमन की जो मेमरीज है मेरे पास, हर चीज, एमन की जो हर पिक्चर है, मैं आप लोग से इंशाल्लाह ये व्लॉग में शेयर करूंगी। ओके, सो व्लॉग आज का ये है, सो आप लोग को अच्छा लगे इंशाल्लाह, और अच्छा लगे तो आप लोग को पता है क्या करना है। ओके, चलो फिर मिलते हैं व्लॉग में। अभी बज गए हैं रात के 1:30 बजे है, और मैं अभी वीडियो मोबाइल विद लाइक व्लॉगिंग अभी शुरू कर रही हूँ रात के 1:30 बजे, और हम लोग देख रहे हैं मूवी, और आज है सैटरडे, ए सॉरी फ्राइडे नाइट। सो बच्चे लोग और हम लोग मूवी देख रहे हैं, फैसल गए अंदर सोने, और मैं आप लोग को बताती हूँ एमन क्या कर रही है। एमन कितनी अलर्ट है नींद में से, मैं आपको बताती हूँ। ये रही एमन, एमन से हाय गाइस, सी सी हियर, मोबाइल देखने में इतनी बिजी है, सी हियर मम्मा, सी एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू, सी से हाय। ओके, सो फिर मिलते हैं आप लोग से बाद में। तो बस हम लोग यहाँ मूवी देख रहे थे, और पूरे मैं और एमन बैठे थे, नुमान अपने रूम में चला गया था, और बज गए थे 1:15 रात के, और एमन को नींद ही नहीं थी। एमन इतनी अलर्ट नींद में से हो गई थी, मतलब लाइक 12 बजे ही उठी थी, सो उसके मोबाइल में इतना घूम थी कि हम लोग उसको बुला रहे थे तो देख ही नहीं रही थी। बस एमन उठी थी 11:30 12 को ही उठी थी, आज लेट सोई थी, रात को 10 बजे सो गई थी तो उठ गई थी, तो नींद ही उसकी नहीं थी। और यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स खा रहे थे, लाइक जो इंडियन बाजार से फैसल ने स्नैक्स लाए थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी आओ खाना खाने, खाना खाने सॉरी, आप लोग भी आओ स्नैक्स करने, ये भी हम तो यहाँ हो गए थे 3:15, और हम लोग की मूवी भी एंड हो गई थी। बस उसके बाद यहाँ लाइट हम लोग बंद कर रहे थे, एमन बोले मैं लाइट बंद करूँगी, तो वो कर ली थी लाइट बंद, और फिर मिलते आप लोग से नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, तो हो गई है नवी मॉर्निंग, कल लेट सोए थे, नवी मॉर्निंग नहीं हुई है, आफ्टरनून हुआ है, कल लेट सोए थे, आप लोग को मैंने बताई थी फ्राइडे नाइट कितना लेट सोए। सो बस अभी उठे है, अभी रेडी हुई हूँ मैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बनाएंगे लंच, फिर मिलूंगी आप लोग को बाद में। बस यहाँ एमन का ब्रेकफास्ट शुरू था, ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ब्रेकफास्ट करती कम है और ज़्यादातर फेंकती है, उसके खाने के लिए बहुत हम लोग परेशान हो जाते हैं, उसको खिलाते खिलाते खाती ही नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद यहाँ बस किचन में मेरा काम भी होने आया था, मैंने खाना चढ़ा दी थी, लाइक खिचड़ी और कीमा बना रही थी आज सिंपल सा, तो दोनों चढ़ा रही थी और थोड़ा सा किचन को क्लीन कर रही थी। बस फिर आज इजी कुकिंग थी, तो मैंने थोड़ी सी दीवार भी साथ क्लीन कर ली थी, क्योंकि हुरेन एमन ने सॉरी दीवार बहुत गंदी करी थी, पेंसिल और पेन के इतने निशान कर दिए कि दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। बट मैं थोड़ा थोड़ा सा भी क्लीन कर रही थी, ज़्यादा तो नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा जो स्पंज था दीवार पर साफ करने का ख़त्म हो चुका था, तो दूसरा स्पंज था उससे मैं थोड़ी क्लीन कर ली थी, थोड़ा थोड़ा क्लीन करके ही होगा, क्योंकि एक साथ नहीं होगा, उसने इतना गंदा कर दिया, लाइक पूरी दीवारें मेरी गंदी हो चुकी है। तो बस यहाँ थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर ली थी दीवारों की जितनी हुई थी, लाइक ज़्यादा नहीं करी थी, थोड़ी लाइटली कर ली थी, फिर भी थोड़े दाग है, अभी फिर मुझे उससे क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 टाइम क्लीन करूँगी तो ही क्लीन होगी, और ये भी दीवार बहुत गंदी कर दी थी उसने। रखीमा भी डन हो गया है, और राइस भी, खिचड़ी भी हो गई डन, ओहो धुआं आ गया। तो बस सब काम हो गया था, तो मैं ये वॉशिंग मशीन के कपड़े जा रही थी ड्रायर में, क्योंकि कपड़े सुखाने थे गए और दूसरे कपड़े डालने के थे वॉश करने के लिए, फिर उसके बाद ये वॉश करने डाल दी थी। और ये टाइट का स्प्रे मैं हमेशा मारती ही हूँ, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है ये कपड़ों में, लाइक जब से ये पेंडेमिक ही शुरू हुआ था तो मैंने ये मंगा के रखी हूँ, सो कपड़े वॉश करने के टाइम पर भी मैं उसमें डाल देती हूँ, और जब ड्राई करना होता है तो उसमें भी थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सब किचन का काम डन, कपड़े भी वॉश करने रख दी, अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर रही हूँ, और मैं ये निकाल रही हूँ नोज़ रिंग मेरी, क्योंकि मुझे नोज़ में इतनी इचिंग आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लगता है मेरे नोज़ पे पिंपल्स हो गई है, मैंने निकाल दी हूँ, मेरी नोज़ पूरी रेड हो गई है, यहाँ बहुत गर्मी के हिसाब से भी, मतलब लाइक पिंपल्स और ये सब होता है ना उसके हिसाब से बहुत गर्मी है ज़्यादा है, सो मैंने अभी निकाल दी, मेरी कितनी रेड रेड हो गई है। मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा सा बाहर का वेदर बता दूँ, बहुत दिन से वेदर नहीं बताई हूँ, अच्छा वेदर है, एकदम धूप और गर्मी है अभी, सो हिसाब से अच्छा वेदर भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी नीचे। बस तो यहाँ नोमान गेम खेल रहा था और एमन और मेरे अंदर सो रहे थे। ओके, सो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ एमन की बचपन की फ़ोटो से शुरू करती हूँ इंशाल्लाह।
तो बस यहाँ से शुरू करते हैं। ये है एमन की फर्स्ट लाइक फर्स्ट डे फोटो, जब ये बॉर्न हुई थी उसकी फर्स्ट फोटो ये है। फिर हॉस्पिटल में ही ये फोटोज मैंने उसकी उतारी थी। और ये एमन को हो गया था लाइक थर्ड डे था हॉस्पिटल में, सो जबकि फोटो है जब उसकी फर्स्ट डॉल हम लोग ने लिए थे। फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पे, और ये एमन सिक्स डे की हो गई थी, छठी हो गई थी उसकी, मतलब ये छठी की है। और माशाल्लाह मतलब एमन थोड़ी थोड़ी बढ़ते गई जब से मैं आप लोग को सब वो एक पिक्चर बता रही हूँ। ओके, ये पिक्चर है एमन जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको बाल निकाली थी, उसको टकला कराई थी जब की है। और ये नोमान के पास खेल रही थी माशाल्लाह, जब थोड़ा समझने लगी थी लाइक नोमान और हुरैन को थोड़ा थोड़ा सा पहचानने लगी थी तो ये इन लोगों के पास रहती थी। तो ये जब की फ़ोटो है, फर्स्ट फोटोज़ मैं आप लोग को उसकी बता रही हूँ। ये इसकी टकली हो गई थी माशाल्लाह। और ये एमन को हो गए थे एक महीना की हो गई थी एमन, ये जबकि फ़ोटो है, ये वन मंथ हो गया था माशाल्लाह। और ये एमन की 40 डेज़ की फ़ोटो है माशाल्लाह, 40 डेज़ की हो गई थी। तो उसको मैंने सब उसके टेडीज़ निकाल के दी थी। तो बस ये एमन खुद की बॉटल फर्स्ट टाइम पकड़ी थी अपने हाथ से माशाल्लाह, तो ये मैंने जब भी क्लिक कर ली थी। और ये एमन की हम लोग शॉपिंग करे थे लाइक मैंने फर्स्ट टाइम एमन की शॉपिंग करी थी मॉल में से, तो मैंने एमन की ये सब फ्रॉक शॉपिंग करी थी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि हमेशा तो फैसल ही करते, सो फर्स्ट टाइम मैं अकेली बच्चे लोग के साथ गए थे जब हम लोग ने शॉपिंग किए थे। तो एमन ने फर्स्ट टाइम फ्रॉक पहनी थी न्यू वाला, और ये मैं एमन और हुरैन ने सेम ड्रेस पहनी थी सेम कलर का। तो ये जब की पिक्चर है, ये पिक्चर थोड़ी सी कट हो रही है बट मेरे पास यही सब पिक्चर है तो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हम लोग मॉल गए थे एमन को लेके फर्स्ट टाइम उसकी शॉपिंग के लिए, और यहाँ एमन थोड़ा सा बैठने सीख रही थी तो उसको हम लोग बैठने की सिखा रहे थे, ये जबकि पिक्चर है। और यहाँ हम लोग एमन को थोड़ा सा घूमने लेके गए थे फर्स्ट टाइम माशाल्लाह, सो बस थोड़ा खेल रही थी और थोड़ा थोड़ा बैठने भी सीख गई थी। और ये मुसल्ले पे बैठ के उसको नमाज़ पढ़ना था फर्स्ट टाइम माशाल्लाह। और यहाँ मेरी मम्मा ने भेजे थे एमन और हुरैन का सेम ड्रेस, तो फर्स्ट टाइम इन लोगों ने पहने थे। और ये क्रिसमस की पार्टी थी हम लोग के यहाँ, तो हम लोग क्रिसमस की पार्टी के लिए मॉल में नीचू गए थे लाइक हम लोग के सोसाइटी में। तो यहाँ एमन फर्स्ट टाइम कुछ पकड़ना भी सीखी थी, और यहाँ एमन क्लिप लगा रही है। और यहाँ एमन फर्स्ट टाइम जब बैठी थी हम लोग उसको शॉपिंग करने लेके गए तो कार्ट में बिठाए थे, ये जब फर्स्ट टाइम बिठाए थे जबकि ये। और ये हम लोग होटल में खाना खाने गए थे जब ये खुद ही अपने आप से खुद की सीट पर बैठ गई थी। और ये आ गई थी एमन की फर्स्ट बर्थडे माशाल्लाह, तो ये सब फर्स्ट बर्थडे की। और फर्स्ट बर्थडे का व्लॉग तो आप लोग ने देखे होंगे, मैं मेरे वीडियो में है। सो मैंने यहाँ व्लॉगिंग शुरू कर दी थी लाइक एमन की बर्थडे के लाइक 10-15 दिन पहले से ही मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी। सो ये एमन केक काट रही थी, केक खा रही थी लाइक पूरी गंदी हुई थी। सो ये जबकि पिक्चर्स है, और ये पिक्चर तो मेरी पहले की लाइक इसको फ्रॉक निकाल दी थी चेंज कराए थे जब हम लोग ने इसको केक दिए थे, सो ये पहले की पिक्चर इसमें आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे पॉन्स सिटी मार्केट एमन की बर्थडे मनाने, तो वहाँ बहुत इन्जॉय किए थे। सो ये सब वहाँ की पिक्चर्स है। और ये एमन की जो भी मेरे पास पिक्चर थी एक साल के बाद, तो फिर मैंने आप लोग से व्लॉगिंग शुरू कर दी थी, तो आप लोग ने एमन को हर व्लॉग में देखे होंगे। ये मैं उसकी बचपन की पिक्चर आप लोग से शेयर करने था, मैं बोली चलो आप लोग से थोड़ा सा शेयर कर दूँ एमन की पिक्चर सब माशाल्लाह के एमन कब क्या करी। मैंने हर एक पिक्चर उसकी क्लिक करके रखी थी, ऐसे तो बहुत सारी पिक्चर है लेकिन मैं आप लोग से थोड़ी थोड़ी सी शेयर करी कि आप लोग को जो स्पेशल चीज़ें हैं जो एमन ने की वो सब मुझे शेयर करना था, तो बस वही सब मैंने आप लोग से शेयर कर ली। और ये सब वहाँ की पिक्चर है जहाँ हम लोग लाइक पॉन्स सिटी मार्केट घूमने गए थे, तो सब वहाँ की पिक्चर है। इसकी वीडियो भी है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग देखना इंशाल्लाह मेरे एमन फर्स्ट बर्थडे के व्लॉग में मेरे इसमें होगी, और आप लोग चाहेगा तो इंशाल्लाह मैं उसकी लिंक भी शेयर करूँगी। और यह एमन की फर्स्ट ईद लाइक मेरी मम्मा ने भेजे थे, जो फर्स्ट ईद पे शलवार कमीज़ पहनी थी एमन ने, जब वो बराबर खड़े रहने भी नहीं सीखी थी, बैठी थी सिर्फ, सो माशाल्लाह ये मैंने पहनाई थी उसको ड्रेस। या हुरैन और एमन की दोनों की ईद की पिक्चर है, और ईद को मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी लाइक ईद बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी। सो ये पहले की पिक्चर है लेकिन आगे पीछे हो रही है। ये एमन को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे माशाल्लाह, जब फर्स्ट टाइम सुकून से बैठी थी जब की है, और ये इसके झूले में खेलने की। और ये भी तो आप लोग ने देखे होंगे चक्के चीज़ में एमन माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम लाइक चक्के चीज़ उसको समझ में आया था। ऐसा तो हम लोग उसको बहुत टाइम लेके गए थे इससे पहले, बट ये टाइम उसको समझ में आया था, जो फर्स्ट टाइम वो समझी थी और खेल रही थी माशाल्लाह, ये जब की पिक्चर है। फर्स्ट टाइम चक्के चीज़ में इंजॉय करी थी एमन ने माशाल्लाह। सो बस यही सब पिक्चर्स है एमन की, और तो बहुत सारी पिक्चर्स होती है बच्चों की तो आप लोग को पता है, बट इतनी सारी शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग बोर होंगे। और यहाँ एमन को गॉगल्स पहनना था, हम लोगों ने पहने थे तो उसको भी पहनना था, तो उसको भी मैंने पहना दी थी। और ये माशाल्लाह हम लोग ने उसको एमन को लेके गए थे किधर, तो जबकि पिक्चर है माशाल्लाह, देख के बहुत हंस रही थी तो मैंने पिक्चर क्लिक करी थी। और ये पिक्चर आधी कट गई है, मैंने एमन को दुपट्टा पहनाई थी पूरा ऊपर से नीचे तक का। और ये एमन की बकरी की पिक्चर्स है, ये ड्रेस पहनी थी उसने। ये पिक्चर ये वीडियो है एमन की, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने एमन को खाना लाइक खिलाना शुरू करी थी, ये जबकि है माशाल्लाह। ये थोड़ी सी वीडियोस थी एमन की, तो ये भी मैं आप लोग से थोड़ी सी शेयर कर रही थी। यहाँ वो बोल रही थी माँ माँ, फर्स्ट टाइम माँ बोल रही थी, मम्मा बोल रही थी।
या नोमान उसको खड़े रहने सिखा रहा था, हम लोग उसको खड़े रहने घड़ी घड़ी सिखाते थे और बैठ जाती थी लाइक खड़े रहने बहुत टाइम से सीखी तो मुझे थोड़ा टेंशन रहता था, तो माशाल्लाह यहाँ हम लोग उसको घड़ी घड़ी खड़े रहने कर रहे थे सिखा रहे थे। तो ये जबकि और यहाँ सोफ़ा पे खड़े रहती थी और यहाँ अंगूठा फर्स्ट टाइम वो मुँह में डाल रही थी, वैसे तो माशाल्लाह उसको ये आदत है ही नहीं तो फर्स्ट टाइम डाल रही थी, तो मैं उसको फिर आदत छुड़ा दी थी, मैंने उसको थोड़ा डांटी दे के और बस माशाल्लाह यहीं हम लोग। ओके सो गाइस अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और यहाँ अमन रोते हुए दिख रही है, ये आप लोग को ये डॉक्टर के वहाँ का उसका व्लॉग है और डॉक्टर के वहाँ की थोड़ी सी वीडियो है मैंने जो दे दी हूँ इसमें, और ये अमन की मस्ती करते हुए, और अभी अमन कैसी है वो आप लोग को वो भी दिख जाएगा लास्ट व्लॉग में, आज की अमन की मस्ती खोर होने की। ओके सो गाइस अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और दुआओं में याद रखना, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।